हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी मकर संक्रांत टू ऑल ऑफ यू। तिल गुड़ खा गोड़ गोड़ बोला, है ना, ऐसा ही कुछ है। सो आज मैं बताने वाली हूँ इस व्लॉग में कि हम लोग हमारे घर में इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इस फेस्टिवल को। जैसे कि मैं हर व्लॉग में आपको बताती हूँ कि हर फेस्टिवल हम कैसे मनाते हैं। सो चलिए मैं बता देती हूँ कि क्या क्या प्रिपरेशन चालू है। बाय द वे, आई एम इन द किचन एज यू कैन सी, एंड अभी मैंने बालों को धोया है, सो प्लीज़ इग्नोर, इनको ठीक करना बाकी है। ओके, सो चलो फटाफट से बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू कि भोग में क्या क्या जाने वाला है। ये पांच प्रकार की वेजिटेबल्स हैं, इनको तल के यहाँ पे रखा गया है। इट हैज़ इसको क्या बोलते हैं, शेंगा, देन कॉलीफ्लावर, ये है आलू, ये है रेडिश, एंड ये है ब्रिंजल। ओके, एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे खीर बनाने की तैयारी हो रही है। एंड खीर में डलने वाला है ये, इसमें क्या है, इसमें है चावल है, इसको बोलते हैं राजभोग वाला चावल, ये गोविंद भोग वाला चावल है। और इसमें है तिल्ली। लास्ट टाइम हमने लक्ष्मी पूजा में खीर बनाया था, उसमें खाली घी और चावल डाले थे, इस बार का थोड़ा सा अलग है। मतलब ये दूध कितने उबालना पड़ता है क्या? नहीं, मेरा दूध दो तीन उबाल हो चुका है। अभी मैं आज का जो संक्रांत का जो खीर रहता है उसमें चावल और तिल्ली मिक्स करके हुआ रहता है। ओके, यहाँ पे साग बना कर, ये मिक्स भाजी है, इसमें सभी प्रकार की मिक्स भाजी है, ये मैं बनाने वाली हूँ आज का। खजूर के गुड़ है वो डलेगी इसमें, ओके, सो शक्कर, हाँ शुगर को स्किप करके इसमें हम खजूर के गुड़ से इस खीर को बनाएंगे। मुझे पता है आप लोगों के पेट में ऐसे गुड़ गुड़ वाली आवाज़ आ रही होगी, तो जिसको भी खाना है मेरे घर पे आ सकते हो। सो अभी ये जो खजूर का गुड़ है ये इसके अंदर डल चुका है, एंड ये और थोड़ा सा गाढ़ा होगा। सो अभी इसमें डलेगा ये काजू, और भी है पिस्ता और बादाम और किशमिश, जो भी है आप भी यहाँ पे डाल सकते हो। एंड एज यू कैन सी कि इसका कलर चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ द खजूर का गुड़। एंड अभी ये सब कुछ इसमें जाने वाला है। सो मम्मी गई है कुछ शॉपिंग करने के लिए, एंड लेट मी शो यू कि मैं क्या कर रही हूँ। एक इम्पॉर्टेंट सा स्टेप मैं बताती हूँ कि जब भी आप खीर बनाते हो तो ये साइड में जो लग जाता है ना खीर का, ये जो मलाई होता है ना, इसको आप निकाला करो। मतलब मेरी मम्मी ने ये बताया है, उससे क्या होता है ना, ये साइड में लग जाता है एंड पूरा वेस्ट हो जाता है। तो इसको चलाते वक्त ऐसे इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ऐसे विद द हेल्प ऑफ दिस, इसको जो भी बोलते हैं, इस टूल की मदद से। मुझे उतना पता नहीं किचन के बारे में। सो ये आप देख सकते हो कि कितना गाढ़ा हो चुका है, एंड और ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। मतलब ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा खीर होता है और इतना टेस्टी होता है, मैं बता नहीं सकती आपको। ऑलमोस्ट सब कुछ बन के रेडी हो चुका है। ये मैंने पहले आपको दिखाया था पांच प्रकार के वेजिटेबल्स, एंड ये है साग, देन यहाँ पर फिर से वही वेजिटेबल्स ही फ्राई करके रखे हैं, ये है पूरी, एंड दिस इज दाल चावल, एंड ये है केले से बना हुआ, इसको क्या बोलते हैं, जो भी है पैनकेक टाइप है ये, एंड दिस इज अवर खीर। ये खीर की तरह लग नहीं रहा है बट ये खीर ही है। इसमें है तिल गुड़ एंड मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, एंड दैट्स इट। सो ये सब कुछ बना के अभी इसका हम चढ़ाएंगे भगवान को भोग, एंड हाँ, और उसके बाद फिर हम खा सकते हैं। एंड यहाँ पर मालपोहे का प्रिपरेशन चालू है जो कि मेरी मम्मा बना रहे हैं। यहाँ पर तेल गरम होने को रख दिया है, प्लीज़ इग्नोर दिस स्टफ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि किचन में बहुत कुछ बनाते वक्त ऐसा होता रहता है। ओके, सो अभी मालपोहे बनने के लिए रेडी हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि मम्मी ने इसमें डाल दिया है। मालपोहे को बंगाली में पीठे बोलते हैं, पीठे तो सबको ही बोलते हैं पर इसका स्पेशल नाम है, इसको स्पेशली पीठे बोलते हैं। मतलब इसका पूरा नाम पीठे ही है, और दूसरे जो पीठे है उनको ऐसे डोसा वाला और भी बहुत वेराइटीज़ के पीठे होते हैं हमारे इसमें,
तो वो अभी हम जितना हो सकता है उतना बनाएंगे एंड थोड़े दिन बाद बाद आपको देखने में मिलेगा ऑफ कोर्स व्लॉग में कि और क्या क्या बनता है, मतलब पीठे का वेरिएशन। सो मम्मी का पूजा देना हो चुका है। एज यू कैन सी यहाँ पे हमने जब घर वास्तु किया था तो यहीं पे इनको बनाया था एंड यहाँ ये घट बिठाया है, आरती का कुछ सामान है, पानी है और अभी भोग चढ़ाना बाकी है एंड ये भोग चढ़ चुका है। सो हेलो गाइज, सुबह से शाम हो चुकी है एंड मैं अभी आई हूँ अपने बड़े पापा के घर में एंड यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मतलब सबका मिलजुल के खाना पड़ता है ना, मतलब है तो हमारे परिवार वाले ही भले ही हम सेपरेट सेपरेट ऐसे रहते हैं इसलिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर में क्या प्रिपरेशन चल रही है। चलो अंदर चलते हैं। ये मेरे बड़े पप्पा, बिल्कुल मेरे पप्पा की तरह दिखते हैं एंड यहाँ पे है देवरानी और जेठानी और वहाँ पे प्रिपरेशन चालू है। तो सुबह मैं आपको जिस डोसे के बारे में बता रही थी ये है वो डोसा, मीठा डोसा, ये है मीठा डोसा। इसके क्या कहते हैं इसको, पार्टी शॉप ता वॉट एवर दो भी। हाँ ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और इसके अंदर में क्या क्या स्टफिंग डालते हैं इसके अंदर, नारियल का। हाँ ये नारियल का ये वाला स्टफिंग इसके अंदर डालते हैं एंड दिखने में आपको बिल्कुल ये डोसे की तरह ही लग रहा होगा। सो हमारा खाना वाना हो चुका है एंड अभी मैं सिटी में जाने वाली हूँ गोविंदा भैया से मिलने के लिए, एज यू नो प्रिंस भाऊ से। सो गाइज अभी मैं आई हूँ रिया के फ्लैट पे और मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको एक परियों के देश में लेके जाऊंगी। कहाँ पे बता दो, वो वाले रूम में। बड़ा सही है वो। देखो यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे लोग बैठे हैं, मतलब सुसु ओ माँ। सिखाया नहीं तूने अपनी बेटी को कुछ? सिखाया मैंने मेरे बेटी को, लेकिन मेरी बेटी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती तो कंट्रोल में रहती और जो आउट निकलने का रहता वो निकल जाता। स्कारलेट एक साल की हो गई लेकिन तू सुसु अभी भी बेड पे सुसु करती है। छी मच्छर काफी इसमें। तो कैसे हो आप? बस खुश है, खुश है। टॉडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। इसका एक ऐसा वाला रील देखो, ये देखो टॉडा कुत्ता टॉमी। अरे मेरा बच्चा बेचारा। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड म्यूजिक डालूंगी। कौन सा? मम्मी क्या ये मतलब शिवानी सो के मतलब शिवानी मारिया, मतलब मैं खुद मैं आप मेरे को। अरे स्कारलेट उधर ही है ना, तो किस को इधर आ बोल रहे हैं? स्कारलेट का है कौन? शिवानी सो के है क्या? ये भैया ही थे। प्रिया यहाँ मेकअप कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। इसलिए बुलाई मेरे को आईब्रो बना के दे। देखिए लड़कियाँ लोग सिर्फ बाहर निकलने के लिए कितना ज्यादा। Thank you.
कहाँ जाते हैं? देखो आज रिया बहुत अच्छे से तैयार होके है, बहुत ही क्यूट दिख रही, और मैं यही सलवार सूट पहन के, मुझे बड़ा गंदा लग रहा है। हमारे साथ स्कारलेट भी बैठी है। नहीं 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 स्कारलू, इसको घूमने का बड़ा शौक है, जब भी इसको लेके हम निकलते थे एक्साइटेड हो जाती है। चलेंगे अपन, नहीं तो पता चला। तो गाइज हमारी गाड़ी का पेट्रोल खराब खत्म हो चुका है, मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है। अभी तुषु और गोविंदा भैया गए हैं पेट्रोल लाने के लिए, और देखो देखो आप, मैं मतलब सलवार सूट पे हूँ और रिया को देखो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मैं भी सिनेमाटोग्राफ को देखूँ। सड़ा फोन करिका। सो गाइज, ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर, एंड आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने संक्रांति कैसे सेलिब्रेट किया। या दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। घर पे रहिए, खुद का ध्यान रखिए, सबसे प्यार कीजिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।